राहुल गांधी ने फूका चुनावी बिगुल। चुनाव के लिए राहुल गांधी जोरों से तैयार होकर लोगों के बीच आए। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर 40% कमीशन सरकार होने का आरोप लगाया है और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का सुफला साफ किया जाएगा। उन्होंने यहां एक जनसभा में युवाओं से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 लाख रोजगार का सृजन होगा और खाली पड़े 2.5 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। कांग्रेस नेता यह दावा भी किया कि कर्नाटक के सभी लोगों का कहना है कि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और लोग भाजपा को सत्ता से हटाना चाहते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि यह देश सबका है, 2-3 चुने हुए लोगों का नहीं है, अडानी जी का नहीं है, यह देश गरीबों, किसानों और मजदूरों का है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के युवाओं ने हमें कुछ संदेश दिया। पहला यह कि इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। यहाँ सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, यह 40% कमीशन सरकार यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती और कुछ 40% कमीशन देना भी चाहती है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक विधायक के बेटे को पकड़ा गया जिसके पास से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए, फिर भी भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो देखने वाली बात है कि राहुल गांधी कब तक लड़ेंगे बीजेपी से और बीजेपी को हरा कर कैसे आगे निकलेंगे। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं।